हेलो गेमर्स, आई होप कि आप आपके वीकेंड को अच्छी तरीके के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो प्ले स्टोर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है गाइस कि वहाँ पे डेली बेसिस पे काफ़ी अलग अलग टाइप के गेम्स अपलोड होते रहते हैं। तो उनमें से ही आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 5 न्यू गेम्स को लेके आया हूँ, जिनके अंदर आपको काफ़ी न्यू स्टोरी लाइन देखने के लिए मिलने वाली है, साथ ही साथ अच्छे ग्राफिक देखने के लिए मिलने वाले, और मजे की बात की वो सारे के सारे गेम फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। तो डेफिनेटली अगर आप इस वीकेंड में न्यू गेम्स ट्राई करना चाहते हो या सिंपली इस मंथ में आप न्यू गेम्स को खेलना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखते रहना है। इसी के साथ गाइज, अगर आपको मेरे इस चैनल पर जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो पसंद आ रहा है तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी मोटिवेशन को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। क्रैश ड्राइव 3 यह हमारे इस लिस्ट का सबसे पहला गेम है जो कि अभी आपको प्ले स्टोर पे प्री रजिस्ट्रेशन पेज पे देखने के लिए मिल रहा होगा। तो गाइस, इस गेम की बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है और अगर आप भी इस बीटा वर्जन को डाउनलोड करके प्ले करना चाहते हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी ऑफिशियल डाउनलोड की लिंक मिल जाएगी। तो गेम काफ़ी सिंपल होने वाला है, बट इसी के साथ गेम के अंदर आपको काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट देखने के लिए मिल जाएगा, उसकी वजह से आपको ये गेम खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग अपोनेंट्स मिल जाएंगे जिनके कार को आपको क्रैश करना है। देन यहाँ पे आपको यूनिक टाइप के मिशंस अवेलेबल है जिनको आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का ओपन वर्ल्ड काफ़ी बड़ा मैप्स देखने के लिए मिल जाता है जो कि इस गेम को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। तो डेफिनेटली अगर आप एक न्यू एज कार रेसिंग प्लस कार स्टंट गेम को ट्राई करना चाहते हो तो इस गेम को आपको अभी क्या भी डाउनलोड कर लेना चाहिए। तो अनमेज लाइट एंड शेड है हमारे इस लिस्ट का नेक्स्ट गेम है, जिसके अंदर काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके के साथ अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। इस गेम के अंदर आपको दोस्तों आपके फ़ोन को भी काफ़ी अच्छी तरीके के साथ कैलिब्रेट करना होगा, क्योंकि आपका फ़ोन भी इस गेम को खेलते वक्त काफ़ी बड़ी एक भूमिका निभाने वाला है। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के साथ आपके फ़ोन को प्रॉपर तरीके के साथ कैलिब्रेट करना है और कुछ इस तरीके के साथ आप जो गेम के अंदर ऐप पे आपके रोल को चूज कर सकते हो। देन यहाँ पे दोस्तों आपको मल्टीपल टाइप के मैच अवेलेबल है जिनको आपको सॉल्व करना और गेम में आगे बढ़ते रहना है। इसी के साथ यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के छोटे छोटे मिशंस भी मिल जाएंगे जिनको आप आपके मोबाइल को प्रॉपर तरीके के साथ यूज करने के बाद सॉल्व कर सकते हो। तो डेफिनेटली अगर आप काफ़ी यूनिक टाइप के मैच गेम को ट्राई करना चाहते हो, यानी कि पजल गेम को खेलना चाहते हो, तो इस गेम को आप एक बार डाउनलोड करके देख ही सकते हो। तो साइबरपंक शूटर यह हमारे इस लिस्ट का अगला ऑनलाइन एफपीएस शूटर गेम है। तो अगर आप जो काफ़ी कलरफुल तरीके के साथ शूटिंग गेम को ट्राई करना चाहते हो और स्पेशली अगर आपको एफपीएस ये जॉनरा पसंद है तो आपको तो इस गेम को अभी के अभी इंस्टॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि गेम के अंदर आपको कुछ इस टाइप की ब्यूटीफुल ग्राफिक देखने के लिए मिल जाएगी और इसी के साथ यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप के काफ़ी पावरफुल और खतरनाक वेपन्स भी अवेलेबल है जिनके हेल्प से आप आपके अपोनेंट को यहाँ पे किल करने वाले हो। साथ ही साथ जैसे आप आपके अपोनेंट को किल कर दोगे तो उसके गन को आप यहाँ पे इंस्टेंटली ग्रैब कर सकते हो और उसके हेल्प से आप जो गेम के अंदर काफ़ी आसानी से आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो। इसी के साथ गाइज, अगर आप जो इस गेम को आपके दोस्तों के साथ भी खेलना चाहते हो तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लेयर मोड भी देखने के लिए मिल जाएगा और इसी तरीके के बहुत सारे गेमिंग मोड इस गेम में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली गाइज, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि इस कलरफुल एफपीएस शूटिंग गेम को आपको एक बार तो खेल के देखना चाहिए। तो गाइज, यहाँ पे बढ़ते इस वीडियो के हमारे अगले गेम की तरफ, जिसका नाम है इम्पोस्टर राइड। तो गेम के अंदर आपको अमोंग अस जैसे स्टोरी लाइन और कैरेक्टर देखने के लिए मिल जाएगी, बट यहाँ पे आपको 3D ग्राफिक देखने के लिए मिल जाती है जो कि इस गेम को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल बना देती है। तो इस गेम के अंदर भी आपको डिफरेंट मिशंस अवेलेबल है जिनको आपको कंप्लीट करना है। देन यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के मैप्स मिल जाएंगे जिनमें आपको सर्वाइव करते करते गेम के लेवल है उसे कंप्लीट करना है। ये करते वक्त आपको बहुत सारे अलग अलग परेशानियाँ आने वाली है जिनको आपको प्रॉपर तरीके के साथ हैंडल करते करते गेम में आगे बढ़ते रहना है। तो गेम के अंदर आपको काफ़ी अच्छे कंट्रोल्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं जिसके हेल्प से आप आपके कैरेक्टर को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के बड़े बड़े मैप्स भी इस गेम के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। सो गाइज, इसी नोट पे बढ़ते इस वीडियो के हमारे अगले और लास्ट गेम की तरफ, जिसका नाम है इंटरनेशनल मिशंस। तो अगर आपको मिनिमल शेयर जैसे गेम को काफ़ी स्मॉल साइज के अंदर आपके एंड्रॉयड फोन में प्ले करना है तो डेफिनेटली आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो। तो ये एक 2D प्लेटफॉर्मर गेम होने वाला है। गेम के अंदर आपको अलग अलग मिशंस मिल जाएंगे, मल्टीपल वेपन्स अवेलेबल है जिनके हेल्प से आप आपके अपोनेंट को किल कर सकते हो और अलग अलग मिशंस को आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे और इंटेंस बॉस फाइट भी देखने के लिए मिलने वाली है। तो डेफिनेटली गाइज, अगर आपको 2D प्लेटफॉर्मर गेम खेलना पसंद है और स्पेशली अगर आप जो FPS गेम खेलना पसंद करते हो तो आपको तो डेफिनेटली गेम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
जैसे जैसे आप गेम में आगे बढ़ते जाओगे तो यहाँ पे आपको और भी अलग अलग एबिलिटीज इस गेम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी टाइप के और गेमिंग कंटेंट को अगर आपको देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा मेरे किसी अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय। Fearless.